ये वीडियो है अमेरिका के स्टेट वर्जीनिया के हाउस ऑफ डेलीगेट्स की, यानी कि अमेरिका के वर्जीनिया के मंत्रिमंडल की महासभा की। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागंसस्तनूभिः। एक हमारे एक दिन बाद 15 अगस्त को आजाद होने वाला मुल्क सिर्फ बंगलोर में आईटी की 12 यूनिवर्सिटियां बनाता है और आज का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से ज्यादा। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिम महिषाः। और इस वक्त वो दुनिया की 5वीं मईशत है और अगले 15-20 सालों में 30वीं मईशत बनने की तरफ जा रहा है। उसकी इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पे होती है, आज दुनिया की इकोनॉमिक ताकत बन के आता है। और हालत यह है कि पूरी मुस्लिम उम्मा की यूनिवर्सिटी इकट्ठी कर दें, उससे अकेले से 56 मुस्लिम स्टेट से ज्यादा है। मेरे भारत में 40 लाख मंदिर है, भारत में वो 40 लाख मंदिर है, गुरुकुल चला रही है, आश्रम चला रही है, स्कूल चला रही है, कैंसर हॉस्पिटल चला रही है, मेडिकल रिसर्च सेंटर चला रही है और फिर सरकार को पैसा भी दे रही है, टैक्स भी दे रही है। पर हमारे भारत में जो 3 लाख एक्टिव मस्जिदें हैं, जो कल तक अरब से चंदा ले रही थी, हमारी सरकार से चंदा ले रही थी, आज भी चंदा लेने के लिए और भीख मांगने के लिए, मॉडर्न जजिया के लिए, फितरा के लिए, जकात के लिए ही परेशान है। वजूद मलिक बरतानिया इंडिया आती है और पार्लियामेंट उसको कहता है, तुम 100 साल से हमारे ऊपर हाकिम रहे हो, तुमने हमारी सरजमीन पर कब्जा किया था, पहले अपोलोजाइज करो, माफी मांगो, उसके बाद आप ऐवान में आ सकती है। और उसे माफी मांगी। दोस्तों आज पूरी दुनिया में हिंदू संस्कृति का डंका बज रहा है, उसका कारण ये है दोस्तों कि हिंदू संस्कृति के अंदर कभी किसी को मारना या किसी की धरती पे कब्जा करना ये कभी नहीं सिखाया जाता। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है कि सबको अपना बना लो, सबसे प्यार करो, सबसे मिलकर रहो, भूखे को भूखा मत रहने दो। दोस्तों ये है हमारे संस्कार और आज दुनिया इस बात को धीरे धीरे समझने लग चुकी है क्योंकि दुनिया ग्लोबल हो चुकी है। पहले होता था कि उनको घरों में कैद कर लिया जाता था, लेकिन अब समझने लग गई है। इसीलिए आज भारत का जो डंका है ना पूरी दुनिया में गूंज रहा है, अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक आप देख लीजिए, हर देश के अंदर भारत की चर्चा हो रही है, हिंदुत्व की चर्चा हो रही है, सनातन की चर्चा हो रही है। और दोस्तों ये धीरे धीरे बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। आपको मालूम ही होगा इटली हो गया या वो कई देश ऐसे हैं जहाँ पे कई कई गांव हैं, उनके शहर हैं जो हिंदुत्व की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका में फैल चुका है। ये देख के पाकिस्तान को तो आग लगती है ना दोस्तों, आपको कैसा लगता है प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू वेरी मच। एक हमारे एक दिन बाद 15 अगस्त को आजाद होने वाला मुल्क सिर्फ बंगलोर में आईटी की 12 यूनिवर्सिटियां बनाता है और आज का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से ज्यादा। और इस वक्त वो दुनिया की 5वीं मईशत है और अगले 15-20 सालों में 30वीं मईशत बनने की तरफ जा रहा है। उसकी इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पे होती है, आज दुनिया की इकोनॉमिक ताकत बन के आता है। और हालत यह है कि पूरी मुस्लिम उम्मा की यूनिवर्सिटी इकट्ठी कर दें, उससे अकेले से 56 मुस्लिम स्टेट से ज्यादा है। जब दुनिया के मजहब मुल्क यूनिवर्सिटियां बना रहे थे, हम यहाँ पीरी टैक्सियां बांट रहे थे। वजूद मलिक बरतानिया इंडिया आती है और पार्लियामेंट उसको कहता है, तुम 100 साल से हमारे ऊपर हाकिम रहे हो, तुमने हमारी सरजमीन पर कब्जा किया था, पहले अपोलोजाइज करो, माफी मांगो, उसके बाद आप ऐवान में आ सकती है। और उसने माफी मांगी, लेकिन जब पाकिस्तान आई और पाकिस्तान के पार्लियामेंट में आने लगी तो हमारे स्पीकर साहब और चेयरमैन सेनेट ने कहा, हम पहले भी आपके वफादार थे, हम आज भी आपके वफादार। ये है कि 550 भिखारी पकड़े गए सऊदी अरब में, 450 पाकिस्तानी थे। यूएई ने पाकिस्तान के लिए वीजा बंद कर दिया हुआ है चंद दिनों से, वर्क वीजा भी बंद कर दिया है और प्राइवेट वीजा भी बंद। वहां भी एक खातून निकली पकड़ी, उससे 70,000 आपके पैसे निकले दरहम। ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल पहचान, इंटरनेशनल भिखारी की तरह है। हमारी हुकूमतें भी कशकोल लेकर फेर रही है एक एक डॉलर के लिए। पाकिस्तान को आइसोलेशन में लेकर चले गए, चाइना ने आपसे बात करना छोड़ दी, आपके दोस्त ममालकों ने आपसे बात करना छोड़ दी, सीपैक को रोक दिया। ये जहां गए इन्होंने पाकिस्तान की एक कहानी बताई और वो कहानी ये थी कि पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है।
और मैं जो बताना चाहता हूं कि इतना शोर मचता है पाकिस्तान में कि मुसलमानों से ज्यादती होती है, ये वो, लेकिन अब मैं और मेरी बेगम मिलिया हम दूर दराज जगह पे भी हुए हैं। हाँ जी, ऊटी एक ऊंची पहाड़ी है, वहाँ कोई हम 4-5 दिन रहे, हर रोज़ हम अजान 2 दफ़ा सुनते थे। हाँ जी, रस्ते में आते हुए हर जगह मस्जिदें हैं, रमज़ान का ज़माना है तो लोग उसी एहतराम से वो अपना ज़िंदगी बसर करते हैं। कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ पे मुसलमानों की जो है ना ये रिलीजियस फ्रीडम वो फ्रीली एंजॉय ना करते हैं। साउथ के लोग जो हैं बड़े पोलाइट, बड़े हम्बल, वो आपसे पता नहीं 100 गुना ज़्यादा भी अगर अमीर होंगे तो उनके अप्रोच के अंदर बहुत वो क्या कहते हैं ह्यूमिलिटी है। तो आज मसलन वो हैदराबाद आया था, वहाँ पे है गुरुस्वामी सेंटर, बड़ा उनका बहुत बड़ा एक है वो फोरम जहाँ पे मेरी डिस्कशन हुई मोहन गुरुस्वामी साहब से, जो के फाइनेंशियल एडवाइज़र थे प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के, और टॉपिक यही था कि क्या पार्टीशन वाज गुड और बैड फॉर इंडिया। तो वो पूरी रिकॉर्डिंग हमने लाइव शो की है, उसकी रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, वो भी मैं पुट अप कर दूंगा। फिर वहाँ पे कल हम गए हुए थे सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, वहाँ पे भी वहाँ पे था कि हैदराबाद की इंटीग्रेशन के मुतल्लिक आप बताएं। फिर वहाँ उनकी यूनिवर्सिटी है, उनकी 3 सबसे मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं लॉ की, एक बेंगलोर में, एक दिल्ली में और एक हैदराबाद में, नलसर, ये नेशनल एकेडमी ऑफ लॉ एंड रिसर्च। और मुझे किसी का डर है, दुनिया के सभी देशों को भारत के हिंदुओं से और भारत के सिविलाइजेशन और सभ्यता संस्कार से सीखने की जरूरत है। आज हमारे भारत में 7 लाख मस्जिदें हैं जिसमें बम नहीं फूट रहा है, जिसमें बम नहीं फूट रहा है, 35,000 से ज्यादा चर्च है जिसमें बम नहीं फूट रहा है और कोई उसको तोड़ने भी नहीं जा रहा है। हमारे देश के हिंदू अपने राजा राम, अपने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा और उसकी मंदिर के लिए 550 साल जंग लड़ते हैं और कानूनी जंग लड़ते हैं, और सर्वोच्च न्यायपालिका का जब ऑर्डर आता है, जजमेंट आता है, तभी प्राण प्रतिष्ठा होती है। हमारे देश भारत में 20 करोड़ की आबादी मुसलमानों की है जिसमें 72 फिरके हैं, और 72 फिरके अपने अपने इस धर्मों का पालन बड़ी खूबसूरती से कर रहे हैं, बड़ी खूबसूरती से कर रहे हैं। अरबों खरबों रुपए डेली मजारों का चंदा आता है, इमामबाड़ों का चंदा आता है, शाही ईदगाह का चंदा आता है, मदरसों का चंदा आता है, लेकिन हम उसमें कुछ भी आपत्तिजनक कोई बात नहीं करते हैं। मेरे भारत में 40 लाख मंदिर है, भारत में 80 लाख से ऊपर मंदिर हैं जिसमें 40 लाख मंदिर एक्टिव हैं जो जिसमें मतलब पूरा पूजा आराधना होती है। वो 40 लाख मंदिरें गुरुकुल चला रही हैं, आश्रम चला रही हैं, स्कूल चला रही हैं, कैंसर हॉस्पिटल चला रही हैं, मेडिकल रिसर्च सेंटर चला रही हैं, और फिर सरकार को पैसा भी दे रही हैं, टैक्स भी दे रही हैं। पर हमारे भारत में जो 3 लाख एक्टिव मस्जिदें हैं जो कल तक अरब से चंदा ले रही थी, हमारी सरकार से चंदा ले रही थी, आज भी चंदा लेने के लिए और भीख मांगने के लिए, मॉडर्न जजिया के लिए, फितरा के लिए, जकात के लिए ही परेशान है।